तो ये देखो यहाँ पे काफी वैरायटी ऑफ नान मिलते हैं आपको। कलाड़ी नान मिल जाएगा, चूचू नान मिल जाएगा, आलू वाला मिल जाएगा, पनीर का मिल जाएगा, और यहाँ प्राइसेस बताना एक बार क्या क्या रहते हैं। आलू वाले का 40 रुपया है। 40 रुपये में भाई आपको आलू वाला मिल जाएगा। 70 रुपये का है। कलाड़ी वाले 80-85 रुपये का है। चूचू नान 85 रुपये का है। 85 रुपये का, ठीक है। और मटेरियल देखो यार कितना ज्यादा लगाते हैं, मतलब ये देखो गाजर शिमला मिर्च है हमारे पास। ये देखो ये यहाँ पे नान लग रहे हैं एक के बाद एक और अच्छे से पूरी प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये देखो और यहाँ पे नान लगा हुआ है, साइज देखो नान का कितना बड़ा है, तैयार भी हो चुका है इनका। ये देखो कितना बढ़िया नान बनाया है इन्होंने, पूरा प्रॉपर क्रिस्पी, तिल लगे हुए हैं, गाजर शिमला मिर्च। और ये इनकी ये कौन सी चटनी होती है? ये भैया अनारदाना है, पुदीना है, धनिया है, दही है, दही है, राजमा चने दिखा दो। अच्छा साथ में दो ऑप्शन रहते हैं यहाँ पे, देखो इनके राजमा काफी गाढ़े राजमा बनाए इन्होंने बढ़िया, और चने आ गया। दो ऑप्शन रहते हैं यहाँ पे और साथ में ये चने के ऑप्शन भी रहते हैं यहाँ पे। ये देखो तो आज हमारे साथ आयशना आए हुए हैं यहाँ पे कच्ची छावनी में, जो रानी पार्क है उसके बिल्कुल अपोजिट यहाँ पे मिलता है घंटी वाला नान, वो देख सकते हो सामने, ये लोकेशन है, इसका नाम है हरिओम घंटी वाला नान। आयशना थोड़ा बताइए इसके बारे में, आपने पहले ट्राई किया? नहीं मैंने ट्राई तो नहीं किया, आज जरूर ट्राई करेंगे। वैसे बेसिकली अपनी घंटी के लिए बिल्कुल फेमस है और इसकी लोकेशन इतनी ज्यादा आसान है, बिल्कुल ऑपोजिट उसके रानी पार्क के पड़ता है, आप ये देख सकते हो, कभी भी आ सकते हो। यहाँ काफी सारे ऑप्शंस हैं, इनको दिखाते हैं यहाँ पे लगे हुए मेन्यू में, आलू नान, कलाड़ी नान, आलू पनीर, ये है हरिओम घंटी वाले नान, यहाँ पे आलू नान है, कलाड़ी नान है, आलू पनीर मिक्स पनीर नान, चूचू नान, और ये है इनके मसाले यहाँ पे जो लगते हैं। ये देखो क्या क्या इसमें, धनिया, गाजर, प्याज, शिमला मिर्च, मिर्ची, धनिया है, साथ में तिल रखे हुए इन्होंने, अजवाइन है, पहले पेड़ा फुलाना पड़ता है। ये देखो भाई साहब ये चूचू नान लग रहा है, ये देसी की लग रहा है, देसी की लग रहा है इसमें, ये देखो ढेर सारा लगेगा, सब देसी की के साथ ही करारा होता है, करारा होता है, ओके। ये है चूचू नान का मसाला, देख सकते हो तैयार हो रहा है, ये अजवाइन आ गई, ये मसाला आ गया थोड़ा सा, ठीक है, ये आ गया प्याज, धनिया आ गया, धनिया भी आ गया, थोड़ा इसमें देसी घी भी आ गया, ओहो देसी घी आ गया भाई ऊपर से, हो गया। अब इसके अंदर भराई होगा, पेड़े का साइज देख सकते हो, थोड़ा भारी भी, काफी भारी पेड़ा है इसका, देसी अजवाइन तेल आ गया, अजवाइन तेल, थोड़ा मसाला आ गया, ये आ गया तिल्ली, आप तिल्ली भी आ गया, प्याज आ गया, ओहो ऊपर देखो स्टफिंग कितनी अच्छी चल रही है इसमें, गाजर आ गया, धनिया, शिमला मिर्च आ गई, ये गाजर आ गया, थोड़ा सा धनिया आ गया, धनिया भी आ गया, ये देखो ये तैयार हो गया भाई, चूर चूर नान, 2 मिनट बस थोड़ा सा इसको पिघलाने पड़ता है, घी होता बीच में, सबको सेटिंग मिलाने पड़ता है थोड़ा सा, तो ये देखो ये अब तैयार होने जा रहा है नान, चूर-चूर नान तैयार हो रहा है, चूर-चूर, ये देखो साइज देखो नान का, ये नान बिल्कुल कचौरी का टाइप होता है, ये देखो ये लग गया, ये लग गया नान, हमने अभी इनसे ऑर्डर दिया था इनको चूर-चूर नान का, जो हमारा देख सकते हो तैयार हो रहा है, और यार इनके प्राइसेस बड़े ज्यादा जेन्युइन है, मतलब आलू नान आपको यहाँ पे कितने में मिलता है ना? आलू नान पड़ रहा है हमें 40 रुपीज, हाँ 40 रुपीज में, तो काफी जेन्युइन, और मटेरियल और प्रेपरेशन बड़ी अच्छे से करते हैं इसमें, वेजेस डालते हैं प्रॉपर, साइज काफी अच्छा है, सर्विंग के ऑप्शन यहाँ अच्छे हैं आपके पास, राजमा है, चने हैं, तो यहाँ पे एक बार आना, ट्राई करना, आप एंजॉय करोगे। तो अभी हमारा नान देखिए तैयार होने ही वाला है, तो जैसे ही तैयार होता है फिर हम आपको दिखाते हैं उसकी सर्विंग कैसे होती है। तो ये देखो यहाँ पे घंटी लगी है, जब नान तैयार हो जाता तब घंटी बजती है, हाँ, जब तैयार हो जाए, जब लगा दिए कस्टमर के, कस्टमर को घंटी, तो पूरा दिन इसलिए इसका नाम पड़ा था घंटी वाला नान, नाम से मशहूरी है हरिओम घंटी वाला नान। चुके हैं यहाँ पे, ये देखो इनके चने साथ में राजमा, ये मिक्स करके आ चुके हैं हमारे इसके साथ नान के साथ, ये चटनी आ गई, और ये देखिए अमूल बटर आ गया यहाँ पे, ये हो चुका तैयार, 2 चम्मच डाल देना, देखो चटनी भी आ गई, और चटनी भी है अनारदाने की होती है, काफी टेस्टी,
पुदीने की चटनी। तो ये आ चुकी है हमारी फाइनल लुक चूर चूर नान की, और आइए अब करते हैं इसको टेस्ट। सबसे पहले आयशना इसमें डाल रहे हैं बटर, और ओहो इन्होंने तो बटर की नदियां बहा दी इस पर, क्योंकि बटर पिघल चुका था, गरम गरम नान था काफ़ी। तो आइए अब टेस्ट करते हैं और आयशना से जानते हैं सबसे पहले कि उनका क्या कहना है, उनको कैसा इसका टेस्ट लगता है। इसका टेस्ट कर रहे हैं नान चूर चूर ट्राई, चूर चूर नान इंटरेस्टिंग है इसका बाइट लो। ओहो चूर चूर हो रहा है, तो हैवी है। तो ये आ चुकी चटनी के साथ बाइट, बताओ टेस्ट करके कैसा है। कोई वर्ड्स नहीं है, हैं सच में इतना बढ़िया है, बहुत टेस्टी। ये तो काफी फेमस है जम्मू में, ऐसे भी घंटी वाला नान फ्लेवर आ रहा है, सच में चूर चूर हो रहा नान है। तो बाइट है रेडी, टेस्ट करते हैं। बहुत बढ़िया यार, बिल्कुल साफ है, मतलब मुंह में जाते जैसे बोलते ना डिजॉल्व हो जाता है, मस्त है प्रॉपर। इन्होंने बड़ा ज़्यादा घी डाला हुआ था इसमें, तो उसकी वजह से इसकी लेयरिंग है ना जो बड़ी मतलब खस्ता सी बनी हुई है, एकदम ज़बरदस्त है। साथ में इन्होंने शिमला मिर्च गाजर और तिल डाले हुए हैं ऊपर, उसका टेस्ट बहुत बढ़िया आ रहा है यार। और 85 रुपीज में मतलब बिल्कुल वर्थ है यहाँ पर ट्राई करना। विजिट करो, ट्राई करो, फिर हमें कमेंट्स में बताना कि आपको कैसा लगा। तो ये है यहाँ के राजमा और चने, टेस्ट करके बताते हैं कि ये कैसे हैं। गाढ़े तो काफ़ी लग रहे हैं, बिल्कुल सिंपल हैं, ज़्यादा स्पाइसेस नहीं है, लेकिन टेस्टी हैं, मतलब मस्त हैं एकदम, जैसे होने चाहिए। अनारदाने की चटनी देख सकते हो, प्याज वगैरह डाल के दी थी इन्होंने, इसको भी टेस्ट करके बताते हैं। चटनी बहुत बढ़िया यार, मस्त है, सारा कुछ बढ़िया है यहाँ पे, आके ट्राई करना, एंजॉय करना। और जम्मू के और ऐसे अपडेट्स के लिए घंटी बज रही है, जम्मू के ऐसे और अपडेट्स के लिए फॉलो करते रहना शिवा।